पब्लिक टीवी आपकी आवाज। क्षत्रिय समाज के द्वारा वीर शिरोमणि राष्ट्रनायक महाराणा प्रताप जी की 884वीं जयंती के अवसर पर महाराणा प्रताप चौक पर लोकोशेड पुल के पास मुरादाबाद में बड़े ही धूमधाम के साथ कार्यक्रम किया गया। सर्वप्रथम वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया और माल्यार्पण करके जन्मदिवस पर मिठाइयां वितरित की गईं। कार्यक्रम में महाराणा प्रताप जी अमर रहे क्षत्रिय समाज जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। इसके बाद मुरादाबाद जिले में जगह जगह महाराणा प्रताप के कार्यक्रम जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाए गए। भोजन एवं मिठाइयों की भी व्यवस्था रही। क्षत्रियों के संगठनों के द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ वीर शिरोमणि राष्ट्रनायक महाराणा प्रताप जी की जयंती को मनाया गया। महानायक महाराणा प्रताप जी के चरणों में नमन करता हूं और क्षत्रिय समाज की एकता और अखंडता के लिए सभी से अनुरोध करता हूं कि जिस तरीके से आज ये क्षत्रिय महासभा एकत्रित होकर राष्ट्रनायक की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया है, ऐसे ही क्षत्रिय समाज के लोग आगे आकर अपने समाज के लिए तथा इस देश के लिए जैसे पूर्व से क्षत्रियों ने योगदान दिया है, आगे भी वैसे ही योगदान क्षत्रिय समाज देता रहेगा। और अब हम ये प्रयास कर रहे हैं कि क्षत्रिय समाज का एक भवन बनेगा तथा क्षत्रिय समाज को एकत्र किया जाएगा, जो कि बिखरा हुआ है उसको एकत्र करना है और अपनी शक्ति का दिखाना है कि क्षत्रियों में जो शक्ति पहले थी उसी शक्ति के तहत आगे भी क्षत्रिय समाज देश की सेवा में लगा रहेगा और अपने समाज के प्रति जो कर्तव्य हैं, देश के प्रति जो कर्तव्य हैं, उनका निर्वहन करेगा। जय हिंद, जय भारत। सवेरे 8:30 बजे से कार्यक्रम चल रहा है और अभी भी सतत भीड़ चल रही है। हमारा संदेश यही, हमारे यहाँ क्षत्रिय नहीं आए, क्षत्रियों से हटके भी बहुत सारे लोग यहाँ आए हैं, क्योंकि महाराणा प्रताप राष्ट्रनायक है। राष्ट्रनायक की परिभाषा अपने आप में अलग है। राष्ट्रनायक मतलब राष्ट्र का रास्ता दिखाने वाला, राष्ट्रनायक मतलब जिसकी चरित्र हम चल सकते हैं, राष्ट्रनायक का मतलब जो वीर शिरोमणि हो, जो वीरों में भी वीर हो, राष्ट्रनायक का मतलब जो है जो राष्ट्र के प्रति समर्पित प्रेम भावना देने वाला हो, ऐसे राष्ट्रनायक महाराज प्रताप का जन्म का 484वां जन्मदिन हम मना रहे हैं। और ये निश्चित मान लें कि राष्ट्रनायक ही देश के प्रति जावना जगा सकते हैं। राष्ट्र सर्वोपरि है, ये मंत्र लेके वो आए थे और हमारा भी मंत्र है राष्ट्र सर्वोपरि है। ये जातिगत है, हम क्षत्रिय विकास में जो क्षत्रिय महासभा मना रहे हैं, लेकिन ये गौरव का विषय है, ये पूरे हिंदू समाज का विषय है कि वो हिंदू समाज के राष्ट्रनायक है, जिसने अकबर की सेना को पछाड़कर और 10,000 सैनिकों से मात्र हल्दी घाटी ऐसे युद्ध को विजय प्राप्त की थी। ऐसे हमारे महानायक महाराणा प्रताप की आज 484वीं जन्म शताब्दी है जिसको हम मना रहे हैं। यहाँ सभी क्षत्रिय भाई लोग हमारे सभी क्षत्रिय मंचों से इकट्ठे होकर के आज क्षत्रिय महासभा और सभी महासभाओं के लोग यहाँ इकट्ठे होकर के आज क्षत्रिय एकता को दर्शाते हुए हमारे महाराणा प्रताप जी की जयंती को आज मना रहे हैं। संदेश देना चाहेंगे समाज के लोगों के लिए? हाँ, जिस प्रकार महाराणा प्रताप ने मात्र 10,000 सैनिकों के साथ में मिलकर के और हल्दी घाटी जैसे विशाल काय युद्ध को जो है जीत हासिल की थी, अगर हम लोग एकत्रित हों ना तो हम बड़ी से बड़ी किसी भी मतलब लड़ाई को आसानी से जीत सकते हैं। मेरा यही संदेश है कि हम सब एक हों और एक होकर के हर एक गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने की ताकत रखें। महाराणा प्रताप हमारे राष्ट्रनायक हैं और मतलब उन्होंने राष्ट्र के लिए इतना मतलब लड़ाइयाँ लड़ी और हमारे राजपूतों के मतलब राष्ट्रनायक हैं। आज क्या कार्यक्रम करके उनके मनाया जयंती? क्षत्रिय एकता का परिचय देते हुए महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई है, जो सभी क्षत्रियों के जितने भी संगठन हैं सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और उन्होंने एक एकता का परिचय देते हुए राष्ट्रनायक की महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाई। समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? समाज के लोगों को ये संदेश है कि संगठित होकर राजपूत अपना जो है परिचय दें। आज महाराणा प्रताप चौक मुरादाबाद में सभी क्षत्रिय संगठन इकट्ठे हुए और सभी क्षत्रिय समुदाय के लोगों ने इस जयंती में अपना योगदान दिया
और इससे एक संदेश देश प्रेम का और एकता का, यूनिटी का जाता है। मैं सभी से आज के हार्दिक इस पर्व की बधाई दूंगा और शुभकामनाएँ दूंगा। सभी लोग इसी तरीके से महाराणा प्रताप के आदर्शों पर चलें तो देश हमारा अग्रसर होगा, हमारी पीढ़ी का उत्थान होगा। आज महाराणा प्रताप जी की जयंती है, उस पर सभी क्षत्रियों में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ महाराणा प्रताप चौक मुरादाबाद में मनाई गई है और सभी क्षत्रियों से मैं चाहूँगा कि वो एक रहें और अपने क्षत्रियों के लिए जो हमेशा काम किया है और करते रहें, महाराणा प्रताप की नीतियों पे चला जाए, जो महाराणा प्रताप की नीतियाँ थी या जो उनके बताए गए रास्तों पर चला जाए, ये क्षत्रियों से मेरा अनुरोध है। आज हमारे राष्ट्रनायक महाराणा प्रताप जी की जयंती है, उनका जन्म उत्सव है आज और हम इसे सभी हर्षोल्लास से मना रहे हैं और मैं सभी देशवासियों से अपील करता हूं कि हर वो व्यक्ति क्षत्रिय है जो देश की सेवा में और देश की आनबान की रक्षा के लिए आगे आता है, इसलिए महाराणा प्रताप के आदर्शों पर चलने को मैं सभी को प्रेरित करना चाहता हूँ। आज 9 मई को राष्ट्रनायक महाराणा प्रताप जयंती सभी देशवासी मना रहे हैं। ये अजय योद्धा जो कभी जिंदगी में परास्त नहीं हुए, ना कभी इन्होंने समर्पण किया, 80,000 सैनिकों के सामने 20,000 की फौज लेके भी ये परास्त नहीं हुए, देश के लिए लड़ते रहे, हमें इनसे सीख लेनी चाहिए। ये किसी लोभ लालच में नहीं आए, अकबर ने इन्हें बहुत लालच दिया कि हम आपको इतनी रियासत दे देंगे, बोले हमने समर्पण करना नहीं सीखा, हम देशभक्त हैं और हमें देशभक्ति की प्रेरणा अगर हमें सच्ची किसी से लेनी है तो ये महाराणा प्रताप जी से ही हम ले सकते हैं कि देश सर्वोपरि है, व्यक्तिगत स्वार्थ बाद में है। आजकल देश में बहुत स्वार्थी लोग हैं, हम राजनीति के अनुसार काम करते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप सच्चे देशभक्त थे, हमें इनका देशभक्ति के लिए इनसे सीख लेनी चाहिए। हम महाराणा प्रताप अमर रहें, अमर रहें, अमर रहें। राष्ट्रनायक महाराणा प्रताप जी की 483वीं जयंती पूरा देश मना रहा है और इसी उपलक्ष्य में आज हम सभी समाज के सभी व्यक्ति, चूँकि राष्ट्रनायक हैं सभी समाज के सभी वर्गों के राष्ट्रनायक हैं, तो उनकी जयंती आज हम राष्ट्रनायक महाराणा प्रताप चौक मुरादाबाद पर बहुत ही हर्ष के साथ मना रहे हैं और आप देख रहे हैं कि कितना आज पूरे पर्व के रूप में इसको मना रहे हैं कि बहुत ही कौतूहल का वो मना है, यहाँ पर इतने गंभीर लोग हैं और यहाँ पर जय घोष हो रही है। राष्ट्रनायक महाराणा प्रताप सदैव अमर रहें, सदैव उनकी जय जयकार रहे, जय महाराणा प्रताप। सिंह और मैं सभी महानगरवासियों देशवासियों को आज महाराणा प्रताप जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ये निवेदन करता हूं कि जन जन तक राष्ट्रनायक थे, सभी लोगों को ये जयंती मनानी चाहिए। भारत माता की जय। कि जिस तरीके से राष्ट्रनायक महाराणा प्रताप जी ने अपने देश को स्वाधीन कराने के लिए लड़ाई लड़ी और जिस तरह से उन्होंने सहन शक्ति का परिचय दिया, वो आज की हमारी जो जनरेशन है उसमें कम है, कम देखने को मिलता है। उन्होंने एक जो प्रण लिया कि मैं जब तक महल में नहीं रहूँगा, जब तक मैं स्वाधीन नहीं करा लूँगा, उसी को देखते हुए हमें भी जैसे उन्होंने घास की रोटियाँ खाई, ये बहुत बड़ा त्याग है जिसमें हम लोगों को भी सोचना चाहिए और अपने बच्चों को संस्कारित करना चाहिए कि राष्ट्र प्रेम ही सबसे बड़ा प्रेम है। उन्होंने बहुत समय पहले जान लिया था कि मुगल जो आए हैं ये हम पर शासन करेंगे और हमें अपना गुलाम बना लेंगे। इतनी दूरदर्शिता, इतनी विद्वता जिनके अंदर थी, आज हम बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम ऐसे देश में जन्म लिए हैं जहाँ पर ऐसे बड़े बड़े योद्धा, ऐसे परमवीर, ऐसे वीर योद्धा हुए हैं जिनकी छत्र छाया में, जिनके आशीर्वाद से हम लोग आज फल फूल रहे हैं। को महाराणा प्रताप जयंती की बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज जिस तरीके से मुरादाबाद की धरती पर हजारों की संख्या में अलग अलग शहरों के, मतलब इस शहर के पास के गांव से लोग आए हैं और इस जयंती को महापर्व की तरह मनाया है, इससे हमारा दिल गदगद है और बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। हिंदुस्तान के अंदर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने मुरादाबाद की धरती से एक नया काम शुरू किया है। आज से हर महाराणा प्रताप जयंती पर हर वर्ष हम लोग विभिन्न विभिन्न स्कूलों में प्रतियोगिताएं कराएंगे और हर स्कूल से जो टॉप के 3 बच्चे निकलेंगे उन सब की पूरे साल की जो फीस होगी वो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा अपने पास से भरेगी। पुनः आप सभी लोगों को बधाइयां देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय महाराणा प्रताप। आज महाराणा प्रताप जी की जन्म जयंती है, इस अवसर पर मैं सभी छात्री भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि सब एक झंडे के नीचे एकत्रित होने चाहिए, किसी पार्टी किसी उसमें हो संस्था में, सब हम एक हैं।
अब आप देख रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह जी का जो मामला चला है उन पर बेवजह आरोप लगाए जा रहे हैं। क्यों हम एक नहीं हैं, हमें उनके साथ खड़े होना है। हम कहते हैं निष्पक्ष जाँच हो, लेकिन वो कह रहे हैं जाँच बाद में हो, पहले गिरफ्तार किया जाए। ये उत्पीड़न अब क्षत्रिय समाज नहीं सहेगा और हम सबको एक होना होगा। जय क्षत्रिय। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।